दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में, जिसे म्यूकोरमाइटोसिस भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यह फंगस कैसे फैलती है। बस आपको एक मिनट समय देना है। यह फंगस मिट्टी, खाद, सड़े हुए फल या सड़े हुए सब्जी, या जहाँ पे पानी सड़ रहा हो, जहाँ पे पानी जमा हुआ हो, वहीं से ये फैलती है शरीर में। किस अंग को प्रभावित करती है, अब ये समझते हैं कि किस अंग को प्रभावित करती है। तो त्वचा, फेफड़ा, आँख और दिमाग को ज़्यादा असर करती है। अब समझते हैं कि ब्लैक फंगस का लक्षण क्या है। तो नाक बंद होना, नाक में खून आना, आँख और सिर में दर्द आना, दांत में भी दर्द कभी कभी होने लगता है, खून की उल्टी होना, तो ये इसका प्रमुख लक्षण है। अब ये समझते हैं कि किस व्यक्ति को फैल सकता है ये। तो जो पहले से किसी को बीमारी हो, डायबिटीज या शुगर किसी का अधिक बढ़ा हुआ हो, उस व्यक्ति को ज़्यादा असर करती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।